News Update, sponsored by RS Academy, Second Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले से अब जल्द ही हवाई यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए चोरहटा हवाई पट्टी का रीवा एयरपोर्ट के रूप में विस्तार किया जा रहा है। इसके विस्तार के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। आपको बता दें, एयरपोर्ट निर्माण का संभावित शिलान्यास 15 फरवरी को होना अब तय हो गया है, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 1400 मीटर की हवाई पट्टी को मजबूत करने का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। ये निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद रीवा में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। यहाँ शीघ्र ही 72 सीटर प्लेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग और विकास तथा चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसी कड़ी में आज प्रशासनिक अमला चोरहटा हवाई पट्टी के निरीक्षण में पहुंचा। साथ ही 15 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। सुनिए तैयारियों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प का क्या कहना है। क्या तैयारियां चल रही है सर, किस चीज की रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन 15 तारीख को संभावित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय विमानन मंत्री महोदय का आना निश्चित हुआ है और उसकी तैयारियां हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, ताकि यहां पर एक सुरक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से भी लोग अपनी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जा रही है। कितने लोग यहाँ के आने की व्यवस्था रहेगी, क्या कैसे? अच्छी व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि लोगों में इस एयरपोर्ट को लेकर न केवल रीवा में बल्कि आसपास के जिलों में भी काफ़ी उत्साह का वातावरण है, तो काफ़ी मात्रा में लोग इसमें शामिल होंगे। अब तक एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कितनी तैयारियां हो गई है? लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। जो वर्तमान एयर स्ट्रिप है, इसकी भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। शेष जो भूमि है, उसके भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। भू अर्जन से संबंधित जो राशि है वो हमारे खाते में आ चुकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। तो देखा जा रहा है कि पॉलकॉन का भी अभी एयर खड़े हैं, तो उसको हटाने की कहां उनको स्थापित किया जाएगा? वो अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।